हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। इराक वर्सेस कतर के बीच मैच हो रहा है 8:30 बजे। एक्चुअली मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन हूँ। एक तो कल से लेके मतलब मैं संडे की शाम तक आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा, जिस कारण जो वीडियोस हैं, जो सारे मैच एनालाइज मैं करके जाऊँगा, जिस कारण मैं वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि इन 2 दिन हो सकता है मैं आपका रिप्लाई ना दे पाऊँ सारे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना होगा। अभी तो देखो जितना भी मैचेस हैं अपकमिंग अच्छे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज ही प्रॉफिट कर ले 2 दिन का। बट चलते हैं आगे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल देख लो, जो नए हैं उनके लिए बता। तो गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, इराक एंड कतर के अंदर दोनों टीम्स की वर्ल्ड रैंकिंग देखा जाए तो इनकी वर्ल्ड रैंकिंग थोड़ी बेटर है। मतलब मेरे को कतर की टीम, मतलब कतर टीम जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर, मतलब ऐसा लग रहा है वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से कि आ गया। लेकिन अगर मैं करंट फॉर्म देखूँ और इराक के प्लेयर्स देखूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि इराक को ये मैच सिंगल हैंडेडली जीत जाना चाहिए अगर ये चाहते हैं कि सामने वाली टीम फॉर्म में ना आए। तो सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की अगर बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं लूँगा इराक का पहला खिलाड़ी जिसका नाम है एमन हुसैन। एमन हुसैन इज़ अ ग्रेट प्लेयर। इसको पेनल्टी टेकिंग रेशियो इसका बहुत अच्छा है, पेनल्टी बहुत अच्छी लेता है। पेनल्टी के बाद की अगर बात करूँ तो विदाउट पेनल्टी गोल रेशियो भी बड़े अच्छे हैं, असिस्ट रेशियो बहुत अच्छे हैं। तो इराक का ये खिलाड़ी खूब आगे है भाई बाकी खिलाड़ियों से। और बी रसन की बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा बी रसन को। बी रसन जो है भाई इंटरनेशनल लेवल में तो जो है, डोमेस्टिक लेवल में तो ये सबका बाप है भाई। डोमेस्टिक और फ्रेंचाइजी के लिए, जिस भी फ्रेंचाइजी के लिए खेलता है वहाँ पर मोस्ट गोल मोस्ट असिस्ट एज अ मिडफील्डर इसके सबसे ज़्यादा है। यहाँ तो ये स्ट्राइकिंग करता है, तो एक तरह प्रोग्रेस है इस खिलाड़ी के लिए। और ऑपोजिशन टीम की बात करें, देखो उनका मुझे नहीं पता यार कौन भेजेगा, कौन मतलब आएगा। पहले एल्मोज अली, उसके बाद बीच में उसको भेजने लग गए थे। इनका एक खिलाड़ी था आतिफ करके या आरिफ करके, मैं नाम नहीं याद, उसको भेजते थे, अब उसको नहीं ला रहे। मतलब इनका कुछ नहीं पता मेरे को, मैं हैरान हूँ। अपने होम में इस बार इनका वर्ल्ड कप हुआ था, टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी हुई, लेकिन जैसे भाई मक्खी को दूध से बाहर करते हैं ना, वो हायर किया था इस टीम का बाकी टीम्स में। इसलिए भाई मेरे को एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। मैं अला अलेदीन को ले रहा हूँ कि हमें दिक्कत ना हो। और आगे से अगर बात करें, यहाँ पे लेंगे अतवान को। अतवान इज़ मेन प्लेयर, क्योंकि अतवान सेकेंडरी पेनल्टी टेकर है। कल को कोई प्लेयर ऊपर नीचे हो जाता है या कोई सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगले प्लेयर की बात करें, यहाँ पर एक खिलाड़ी है इब्राहिम बैश को भी ले सकते हो, या फिर आप नीचे से खिलाड़ी, इसका नाम है आमिर दल हमारी, इसके साथ भी जा सकते हो। एक्चुअली मैं अभी इसको ले रहा हूँ। और ऑपोजिशन टीम की बात करें तो अकरम आफीफ, हाँ आफीफ की बात कर रहा था मैं, भेज दिया इन्होंने इसको। अच्छा, अकरम आफीफ खेलेगा भाई आज, ये बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है ये, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। 94% सिलेक्शन है ना, ये मत देखो, कई बंदे होंगे जो इसको लेंगे भी, कई होंगे जो कप्तान भी रखेंगे, और कई ऐसे भी होंगे जो लेंगे भी नहीं। मतलब अलग अलग ओपोनेंट्स आपको मिलने वाले हैं जिसमें अकरम आफीफ का रोल बहुत मेन रहने वाला है। और अगले खिलाड़ियों की बात करूँ, मैं सोच रहा था मैं वाद के साथ जाऊँगा, लेकिन जब मैंने शहाता का गेम प्ले देखा तो मन बदल लिया, तो शहाता के साथ हूँ। आगे से डिफेंडिंग सेक्शन की अगर बात करें तो एम योनिस, उसके बाद अदनान तो लेना है। अब तो ये भी बड़ा अच्छा खेलने लग गया इराक का खिलाड़ी मर्चेस डॉस्की भी ले सकते हो, या फिर आप इराक का एक खिलाड़ी जिसका नाम है अहमद यहिया, ये भी ले सकते हो। उसके बाद आप ऑपोजिशन टीम का भी कोई भी डिफेंडर ले सकते हो, क्योंकि ये डबल साइडेड मैच है। बात करें गोलकीपिंग सेक्शन की, यहाँ पे लेंगे एस जकरिया को, तो ये मेरी टीम है। और बात करें कप्तान की, जो मेरा कप्तान है देखिए वो है ए हुसैन, वाइस कप्तान जो मेरा है वो है बी रसन। बट ये एक रिस्की कॉम्बिनेशन है, इफ़ यू वांट टू गो सेफ तो ये मेरा सेफ कॉम्बिनेशन है, आप सेफ टीम के साथ भी जा सकते हो, ये सेफ टीम है मेरे लिए। अपने लोग बोलेंगे रिस्की है भाई, मेरे इससे सेफ नहीं बनेगी मेरे से। तो ये मेरी टीम है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।